Okay class, so in this particular lesson I'm gonna be demonstrating you again the fourth exercise for the inheritance concept. Okay, so in this particular exercise we're gonna suppose that we are required to model students and teachers in our application. यानि basically हमें जो है एक model बनाना है for a student and teachers. Okay. We can define a super class called a person. तो इस particular approach को fulfill करने के लिए हम एक super class बनाएंगे और super class को हम person बोलेंगे because you know that student is a person and a teacher is also a person. So definitely we would create a base class called person. और उसके अंदर हम क्या करेंगे कॉमन प्रॉपर्टीज जो कि स्टूडेंट्स में भी मौजूद होती हैं और टीचर में भी मौजूद होती हैं उसको स्टोर करेंगे जैसे कि नेम और एड्रेस. फिर उसके बाद हम सब क्लासेस बनाएंगे स्टूडेंट और टीचर के लिए ताकि हम उस दोनों क्लासेस के अंदर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकें और जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं उसको हम क्या कर लेंगे इनहेरिट कर लेंगे पर्सन क्लास से. ठीक है, दोनों क्लासेस में स्टूडेंट में भी और टीचर में भी हम पर्सन क्लास से इनहेरिट करेंगे. सो फॉर स्टूडेंट्स वी नीड टू मेंटेन द कोर्सेज टेकन. तो जो स्टूडेंट्स की क्लास होगी उसमें हमें मेंटेन करना होगा जो कोर्सेज स्टूडेंट्स जो है वो ले रहा है और उसके साथ साथ उसके रिस्पेक्टिव ग्रेड्स को भी हमें मेंटेन करना होगा. देन वी हैव टू ऐड अ कोर्स विद अ ग्रेड. हमें कोर्स की इंफॉर्मेशन ग्रेड के साथ ऐड करनी होगी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की कि अगर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट कोई कोर्स ले रहा है तो उसका ग्रेड क्या आया है उस कोर्स में. फिर उसके बाद हम प्रिंट करेंगे सारे कोर्सेज जो स्टूडेंट ने लिए हैं और उसका एवरेज ग्रेड क्या बना है सारे कोर्सेज का. एज्यूम दैट अ स्टूडेंट टेक्स नो मोर देन 10 कोर्सेज फॉर द एंटायर प्रोग्राम. तो एक प्रोग्राम एक पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है वो एक प्रोग्राम के अंदर सिर्फ 10 कोर्सेज जो है वो एक्वायर कर सकता है. तो ये हमारा जो है कंडीशन हो जाएगी. फॉर टीचर्स वी नीड टू मेंटेन द कोर्सेज टॉट करेंटली. तो टीचर्स के लिए हमें मेंटेन करना होगा जो कोर्सेज टीचर जो है वो पढ़ा रहे हैं मौजूदा सेमेस्टर या प्रोग्राम में. एंड एबल टू ऐड और रिमूव अ कोर्स टॉट. और साथ ही साथ हमें फंक्शंस बनाने होंगे जिससे हम ऐड कर सकें टीचर्स के लिए कोई पर्टिकुलर कोर्स और रिमूव कर सकें कोई पर्टिकुलर कोर्स जो टीचर पढ़ा चुका है या पढ़ा रहा था वो अब वो नहीं पढ़ा रहा तो उसके बाद अगर हमें रिमूव करना हो तो उसके लिए भी हमें फंक्शन बनाना होगा. सो वी हैव टू एज्यूम दैट अ टीचर टीचेस नॉट मोर देन 5 कोर्सेज. एक वक्त में 5 कोर्सेज यानी 5 कोर्सेज से ज़्यादा वो ना पढ़ा रहा हो कोई भी टीचर तो इसके लिए भी हमें जो है वो इम्प्लीमेंट करनी होगी लॉजिक. तो इसके जो UML या क्लास डायग्राम आप बोल सकते हैं क्लास डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ मौजूद है. तो हमें यही क्लास डायग्राम को रेफरेंस पर रखते हुए जो है वो प्रोग्राम बनाना है. जैसे इसके अंदर पर्सन एक क्लास बनेगी मैंने बताया आपको बेस क्लास होगी जिसमें दो फील्ड होंगे एक नेम होगा एक एड्रेस होगा. नेम भी स्ट्रिंग होगा एड्रेस भी स्ट्रिंग होगा. फिर इसके अंदर कंस्ट्रक्टर आ जाएगा जिसमें नेम जो है वो पास होगा और एड्रेस पास होगा. पर्सन का गेट नेम एक फंक्शन बनेगा जो कि स्ट्रिंग रिटर्न करेगा. गेट एड्रेस फंक्शन होगा जो कि स्ट्रिंग डेटा रिटर्न करेगा. सेट एड्रेस फंक्शन होगा जो कि एड्रेस जो है वो फंक्शन पर्सन का अपडेट करेगा. इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है इसका मतलब है कि सिर्फ ये खाली एग्जीक्यूट होगा कोई डाटा रिटर्न नहीं करेगा. साथ ही साथ टू स्ट्रिंग फंक्शन जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ होता है इसको हम ओवरराइड कर देंगे ताकि हम पर्सन का नाम और उसका एड्रेस जो है वो साथ रिटर्न करवा सकें एड्रेस ब्रैकेट के अंदर और नाम उससे पहले. तो इस फॉर्मेट में हम इसको ओवरराइड कर देंगे. फिर उसके बाद स्टूडेंट की क्लास बनाएंगे. स्टूडेंट की क्लास जो है वो उससे इनहेरिट होगी पर्सन क्लास से तो ऑब्वियसली सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो इनहेरिट होंगी पब्लिक. और स्टूडेंट क्लास के अंदर हम नंबर ऑफ कोर्सेज के लिए एक इंटीजर फील्ड डिफाइन करेंगे जिसको जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे जिसको नंबर ऑफ कोर्सेज जितने भी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट ले रहा है एक्वायर कर रहा है उसको उसका काउंटर जो है ये होल्ड करेगा. फिर कोर्सेज के लिए हम कितने स्टूडेंट कितने कोर्सेज जो है वो एक स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसके नाम को स्टोर करने के लिए हम एक एरे बना देंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप की. और ग्रेड्स को स्टोर करने के लिए हम एक एरे बनाएंगे इंटीजर डेटा टाइप की बिकॉज यू नो दैट ग्रेड्स आर स्टोर्ड इन अ नंबर राइट. उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर बन जाएगा. कंस्ट्रक्टर के अंदर नाम स्टूडेंट का और एड्रेस पास हो जाएगा जो कि पर्सन क्लास में जो है वो पास होगा बाय द हेल्प ऑफ सुपर फंक्शन. फिर टू स्ट्रिंग फंक्शन इसमें भी ओवरराइड कर देंगे हम अकॉर्डिंगली
ठीक है, कि स्टूडेंट का जो है वो नाम और एड्रेस प्रिंट हो, तो हम इसको भी अकॉर्डिंगली जो है वो इस तरीके से फॉर्मेट में कि स्टूडेंट को लेना है, फिर नाम और एड्रेस जो है वो प्रिंट हो। फिर इसके बाद ऐड कोर्स ग्रेड का एक फंक्शन बनेगा, जिसके अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, कोर्स और ग्रेड ये दो इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड करवाएंगे, ठीक है, उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, वॉइड। फिर एक फंक्शन बनेगा प्रिंट ग्रेड्स, जो कि बेसिकली क्या करेगा, जो भी ग्रेड्स होंगे उसको प्रिंट करेगा ये फंक्शन, ठीक है, जितने भी ग्रेड्स होंगे एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के। और फिर आएगा गेट एवरेज ग्रेड, जो कि रिटर्न करेगा डबल वैल्यू, ये एवरेज ग्रेड कैलकुलेट करेगा, ठीक है। इसी तरीके से टीचर की क्लास बनेगी, इसके अंदर भी नंबर ऑफ कोर्सेज के लिए एक प्राइवेट फील्ड बन जाएगी, जिसको हम जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे। कोर्सेज को स्टोर करने के लिए एक स्ट्रिंग एरे हम बनाएंगे, और कि टीचर कौन से कोर्सेज जो है वो पढ़ा रहा है, और देन वी गोना हैव अ कंस्ट्रक्टर फॉर अ स्पेसिफिक टीचर, इट विल कंटेन अ नेम एंड एड्रेस, देन अगेन वी गोना ओवरराइड द टू स्ट्रिंग मेथड, राइट, सो देन इट कैन रिटर्न इन द फॉर्मेट एज टीचर कॉलन देन द नेम ऑफ द टीचर एंड एड्रेस। देन इसके अंदर हमारे पास एड कोर्स फंक्शन बनेगा, जो कि टीचर के कोर्स जो कौन सा कोर्स पढ़ा रहा है टीचर, उसकी इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के लिए स्टोर करेगा, इसमें कोर्स का नाम आएगा, और ये बुलियन डेटा टाइप जो है वो रिटर्न करेगा। ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा फॉल्स, ये जो फंक्शन है ये रिटर्न करेगा फॉल्स अगर कोर्स पहले से मौजूद है, इफ़ द कोर्स इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड, यानी अगर एक कोर्स है जो कि टीचर पहले से पढ़ा रहा है और दोबारा से आपने ऐड कर दिया, तो उसका मतलब है कि वो कोर्स इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव ना हो, राइट, एरे के अंदर, कौन सी एरे के अंदर, कोर्सेज एरे के अंदर, तो वहाँ पे रिटर्न करेगा फॉल्स, और अगर वो पहले से मौजूद नहीं है तो वो उस कोर्स को क्या कर देगा, ऐड कर देगा इस एरे में, ठीक है। रिमूव कोर्स का एक फंक्शन बनेगा, जो कि कोर्स को रिमूव करेगा एरे में से, और अगर जो है वो कोर्स मौजूद नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, इफ़ द कोर्स डज नॉट एग्जिस्ट, जो हम रिमूव करवा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी हमारे पास इसकी क्लास डायग्राम मौजूद है, जिसको रेफरेंस रखते हुए हम इस प्रोग्राम को बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले वी गोना क्रिएट अ पर्सन बेस क्लास, सो आई एम गोना ओपन अप द इंटेलिजे, सो नाउ आई एम गोना गो टू द फाइल न्यू प्रोजेक्ट, नेक्स्ट क्रिएट प्रोजेक्ट फ्रॉम टेम्पलेट, नेक्स्ट आई एम गोना गिव द प्रोजेक्ट नेम एज इनहेरिटेंस एक्सरसाइज 4, क्लिक फिनिश, आई एम गोना ओपन दिस अप इन दिस विंडो, देन इनसाइड द फोल्डर, सोर्स फोल्डर वी हैव दिस मेन क्लास, ओके, सो वॉट वी गोना डू इज वी गोना क्रिएट अ पर्सन क्लास, सो आई एम गोना से पर्सन, दिस विल बी द बेस क्लास, एंड नाउ वी गोना प्रोसीड विद द फ्लो। So first of all, we're gonna make up private fields for storing both the name and the address for a person. Okay. Then we're gonna have a constructor, public person. So this constructor will accept two parameters. One will be name, second will be address. And inside this constructor, we gonna initialize both of these fields by the provided parameter. Okay, for the address as well. So now, after this, we gonna make some getter method for the name and for address, and setter method for the address. Okay, so I'm gonna say public string. This will get the name for a person, return name, and then public string get address. This will return the address for a function, for a person, sorry. And then we're gonna have the method which will set the address. Okay, so whatever is the address of the function, if it is updated, then we need some kind of a function which would update the current address, okay, for a specific person. So that's why we are creating this function for setting the address. So we gonna say this dot address will be equal to address. All right. So now we gonna override the method which is toString. I'm gonna right click on this, generate, and select toString.
and inside here I'm gonna select both of these parameters, click OK. So you can see that it is returning this information. So what we need is we need to return in a format like this. We gonna return this by first name, then inside the bracket we would have the address of a person like this. So how can we return this? It is very easy. We gonna return by using get name, which will return the name of the function. Then we gonna concatenate it with brackets, and we gonna say get address, which will return the address for a function, and then we gonna concatenate it with the closing bracket. Okay, so this will return in the format like this. Okay, so what we did is we override the default method of toString, which is available in Java, and this method will now be executed when we gonna use system.out.println function. Okay, if we are using the reference of this particular class, which is person. Okay, so now our base class is completed, which is person. So now we gonna make a student class, which will extend from the person class, right? तो स्टूडेंट क्लास को बनाने के लिए आई एम गोना गो टू द सेम फोल्डर न्यू जावा क्लास एंड आई एम गोना से स्टूडेंट. और अब यहाँ जाके मैं इसको इनहेरिट करूँगा किस क्लास से? पर्सन क्लास से. ठीक है, फिर इसके अंदर जो हमने बात करी थी डायग्राम को देख के कि हमारे पास जो है नंबर ऑफ कोर्सेज के लिए एक फील्ड आएगी प्राइवेट, जो कि इंटीजर होगी, नंबर ऑफ कोर्सेज को होल्ड करेगी. तो यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ कोर्सेज के लिए ये फील्ड डिफाइन करी. फिर हमारे पास एक एरे बनेगी जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप की होगी. ठीक है, और वो क्या करेगी? वो कोर्सेस को सेव करेगी. क्या? कोर्सेस के नाम को सेव करेगी. ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप की एरे डिफाइन करी. फिर इंटीजर एरे बनेगी जो कि स्टूडेंट के ग्रेड्स को सेव करेगी. ठीक है, कि स्टूडेंट्स के जो ग्रेड्स हैं वो क्या हैं. ठीक है, जो उसके रेलिवेंट कोर्सेज हैं उसके साथ साथ उसके एसोसिएटेड ग्रेड्स क्या हैं. और फिर हम एक कांस्टेंट फील्ड डिफाइन करेंगे जो कि बेसिकली जिसका काम होगा कि कितने मैक्सिमम कोर्सेज जो है वो एक स्टूडेंट ले सकता है. तो यहाँ पर हमने चूंकि इसको 10 रखा था, तो हम यहाँ पे जो हमारी कंडीशन थी वो ये थी कि 10 होने चाहिए. तो मैं यहाँ पर इसको मैक्सिमम कोर्सेस इज इक्वल टू 10. ठीक है, तो अब ये चूंकि स्टैटिक और फाइनल हमने इसको कर दिया, इट मीन्स दैट इट इज़ नाउ बिकम अ कॉन्स्टेंट, और इट इसकी वैल्यू जो है थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रहेगी, विच विल बी 10, राइट? ओके, तो इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट है वो मैक्सिमम कितने कोर्सेज एक्वायर कर सकता है इन अ गिवन सेमेस्टर और इन गिवन प्रोग्राम? ओनली 10. तो अभी यहाँ पे एक सिंपल एक स्टूडेंट, एक स्पेसिफिक स्टूडेंट की बात हो रही है. ठीक है, कि जब हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो एट अ टाइम 10 कोर्सेज से ज़्यादा एक्वायर नहीं कर सकता. तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये फ़िलहाल अभी जस्ट कॉन्स्टेंट फील्ड हमने डिफाइन कर दी. ठीक है, अब इसका कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे. तो कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे पब्लिक स्टूडेंट, और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पास करेंगे अगेन द पैरामीटर विच विल बी द नेम फॉर अ स्टूडेंट एंड द एड्रेस फॉर अ स्टूडेंट. ये दोनों फील्ड जो हैं ये हमारी सुपर क्लास से जो है वो इनिशलाइज होंगी, विच इज़ पर्सन. तो मैं यहाँ पे सुपर क्लास के फंक्शन को कॉल करूँगा, नेम और एड्रेस को मैं दोनों को पास कर दूँगा ताकि वहाँ से डाटा इनिशलाइज होके हमारे पास आ जाए. उसके बाद जो है हम नंबर ऑफ कोर्सेज को इनिशलाइज कर देंगे 0 से. इसका मतलब ये है कि जब स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा तो उस वक्त स्टूडेंट किसी भी कोर्स में इनरोल नहीं होगा. ठीक है, तो नंबर ऑफ कोर्सेज 0 रहेंगे. फिर बाद में हम उस कोर्सेज को ऐड कर देंगे. ठीक है, हम उसके लिए फंक्शन अलग बनाएंगे ऐड कोर्स के नाम से. ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास कोर्सेज की एरे है, ठीक है, तो इसको हम इनिशियलाइज करेंगे जो ऊपर हमने यहाँ पे डिफाइन करी है. ठीक है, इसको इनिशियलाइज करेंगे. तो ये इनिशियलाइज कैसे होगी? इसको इनिशियलाइज करने का तरीका ये होगा कि हम यहाँ पर पास करेंगे अपना कॉन्स्टेंट फील्ड विच इज़ मैक्सिमम कोर्सेज. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा तो कोर्सेज की एरे इनिशियलाइज हो जाएगी मेमोरी में, और उसमें क्या लिमिट रहेगी? उसमें लिमिट रहेगी 10, यानी टोटल 10 कोर्सेज जो हैं वो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है वो स्टोर कर पाएगा. ठीक है,
इसके बाद ग्रेड्स को भी इनिशियलाइज कर देंगे इन द सेम वे, ग्रेड्स विल बी इक्वल टू न्यू इंटीजर, और यहाँ पे भी हमारे पास मैक्सिमम कोर्सेज पास होगा क्योंकि 10 कोर्सेज हैं तो ऑब्वियसली बात है 10 ग्रेड्स भी होंगे उनके, ठीक है, तो इसकी भी लिमिट यही रहेगी। ओके, तो अब हमारा जो है ये कंस्ट्रक्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ओवरराइड कर देंगे टू स्ट्रिंग मेथड को। अच्छा, इसमें हम कैसे रिटर्न करवाएंगे डाटा, इसमें हम रिटर्न करवाएंगे इस तरीके से, पहले स्टूडेंट आएगा कॉलन, फिर स्टूडेंट का नेम आएगा और अगेन जैसे वहाँ पे आ रहा था एड्रेस आएगा, पर्सन क्लास में जैसे हमने काम किया था, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जो हमारे पास फंक्शन है उसको ओवरराइड कर देंगे टू स्ट्रिंग को। तो मैं यहाँ पे आके राइट क्लिक करूँगा, ओके, और मैं यहाँ लिखूँगा जनरेट, क्लिक करूँगा और उसके बाद टू स्ट्रिंग पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं ये सारी फील्ड्स को छोड़ के डी सेलेक्ट करके और ओके प्रेस करूँगा। अब यहाँ पे हमें जो इन्फॉर्मेशन रिटर्न करनी है वो कैसे करनी है, पहले मेरे पास स्टूडेंट आएगा कॉलन, फिर गेट कॉन्कैटिनेट करूँगा इसको मैं, और यहाँ मैं कॉल करूँगा सुपर क्लास के फंक्शन को जो हमने बनाया था पर्सन क्लास में, गेट नेम, जो कि नेम रिटर्न करेगा। और उसके बाद हमारे पास आएगा ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के बाद हमारे पास उसका एड्रेस आना चाहिए, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, तो वो कैसे आएगा, गेट एड्रेस से, और उसके बाद ये ब्रैकेट जो है हमारा क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा इस फॉर्मेट में डाटा जो है वो क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ दिस टू स्ट्रिंग फंक्शन, जिसको हमने क्या किया है, ओवरराइड किया है, ठीक है। ओके, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ऐड कोर्स ग्रेड का फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। ऐड कोर्स ग्रेड का फंक्शन क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा स्ट्रिंग कोर्स पैरामीटर, कोर्स का नाम और उसका ग्रेड, और कोर्स के नाम को ये कोर्स की एरे के अंदर इंक्लूड कर देगा और नंबर ऑफ कोर्सेज जो हमने फील्ड डिफाइन करी थी उसी इंडेक्स पे जाके ये कोर्स की इंफॉर्मेशन को असाइन कर देगा। उसी तरीके से ग्रेड्स एरे में जाके नंबर ऑफ कोर्सेज जो हमने फील्ड बनाई थी उसी क्या कहते हैं वैल्यू में जाके उसकी एरे के अंदर वो असाइन, क्योंकि नंबर ऑफ कोर्सेज को हमने जीरो से इनिशियलाइज करा था और आपको पता है एरे जो है वो जीरो इंडेक्स जो होता है सबसे फर्स्ट इंडेक्स होता है। तो जो भी कोर्स हम सब ये फंक्शन जब हम सबसे पहले चलाएंगे तो कोर्सेज एरे के अंदर भी सबसे फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो जीरो पोजीशन पे होगी, ठीक है। तो जीरो पे जाएगा, इस पर भी जीरो, उस पर जाएगा ग्रेड्स के अंदर ग्रेड, और उसके बाद नंबर ऑफ कोर्सेज क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। यानी अब जब नेक्स्ट टाइम ये फंक्शन चलेगा तो नंबर ऑफ कोर्सेज क्या होगा, वन होगा, ठीक है। यहाँ पे ग्रेड्स में वन यानी सेकेंड इंडेक्स पे जाएगी वैल्यू, फिर नंबर ऑफ कोर्सेज क्या हो जाएगा, टू, फिर जब ये फंक्शन चलेगा तो थर्ड इंडेक्स यानी जिसको कहते हैं टू, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है आपको पता है इंडेक्सिंग एरे की। तो इस तरीके से इसकी हमने लॉजिक जो है वो डिफाइन की है। तो यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे पब्लिक वॉइड, और ये क्या करेगा, एड कोर्स ग्रेड। तो जो भी स्टूडेंट का कोर्स ग्रेड है उसको ऐड करेगा ये। तो पहले हम कोर्स इंफॉर्मेशन लेंगे स्टूडेंट की, कौन सा कोर्स है और उसका क्या ग्रेड है, ठीक है जनाब। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमें देनी होगी, स्टूडेंट का कोर्स, स्टूडेंट का ग्रेड, और स्टूडेंट का जो कोर्स है वो कोर्सेस एरे में, कोर्सेस एरे हमारे पास ऊपर मौजूद है, इसके नंबर ऑफ कोर्सेस, नंबर ऑफ कोर्सेस यहाँ पे आपको पता है ये प्राइवेट हमने फील्ड बनाई थी इंटीजर, जीरो सबसे पहले जीरो से इनिशियलाइज होगी, तो सबसे पहली जो वैल्यू जाएगी वो जीरो पे जाएगी, और कौन सी वैल्यू जाएगी जो हम यहाँ पे पास करेंगे बाय द पैरामीटर कोर्स, ठीक है। तो पहले तो कोर्सेज एरे के अंदर जो सबसे पहले टाइम ये फंक्शन चलेगा तो फर्स्ट इंडेक्स जीरो इंडेक्स पे कोर्स की इन्फॉर्मेशन जाएगी, फिर उसके बाद जो है हमारे पास ग्रेड्स एरे के अंदर हम डालेंगे वैल्यू, ठीक है, उसमें भी नंबर ऑफ कोर्सेज यानी जीरो इंडेक्स पे जाएगी वैल्यू, और क्या जाएगा, जो ग्रेड हम यहाँ पे पास करेंगे। फिर इस नंबर ऑफ कोर्सेज फील्ड को हम क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। कैसे अपडेट करेंगे, सिंपल है, हम इसको प्री इंक्रीमेंट कर देंगे नंबर ऑफ कोर्सेज लाइक दिस, ताकि जब ये दोबारा चले ये फंक्शन तो ये क्या हो चुका होगा, जीरो के बाद वन हो चुका होगा, तो फिर वन इंडेक्स पे जाएगी वैल्यू, फिर ये क्या हो जाएगा टू, फिर टू इंडेक्स पे जाएगी वैल्यू, फिर क्या हो जाएगा थ्री। तो इस तरीके से हम जो है टोटल 10 दफ़ा ये फंक्शन जो है एक स्टूडेंट के लिए कॉल कर सकते हैं, चूँकि हमने यहाँ लिमिट कितनी दी हुई है, मैक्सिमम कोर्सेज की 10 लिमिट दी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये फंक्शन की लॉजिक जो है वो कंप्लीट है एट कोर्स ग्रेड की। और उसके बाद जो हमारे पास फंक्शन हम बनाएंगे वो क्या होगा, प्रिंट ग्रेड्स। प्रिंट ग्रेड्स क्या करेगा, वो सिंपली
फॉर लूप के ज़रिए हम नंबर ऑफ़ कोर्सेज जितने हैं मौजूद ज़ीरो से स्टार्ट होंगे और उस नंबर ऑफ़ कोर्सेज तक चलेंगे, और वन बाय वन करके हम जो है कोर्सेज़ की इंफॉर्मेशन प्रिंट कर देंगे एरे में से, कोर्सेज एरे में से, और उसके बाद हम ग्रेड्स एरे में से प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आके इस फंक्शन के बाद मैं बनाऊँगा ये फंक्शन पब्लिक वॉइड प्रिंट ग्रेड्स। ठीक है, और ये फंक्शन जो है ये सबसे पहले तो जब हम ग्रेड्स प्रिंट करेंगे तो हमें ये बताना है कि किस स्टूडेंट का ग्रेड मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये फंक्शन कॉल करूँगा। ठीक है, ये फंक्शन मैं कैसे कॉल करूँगा, मैं यहाँ पे SOUT यूज़ किया मैंने, उसके बाद दिस। अब ये दिस कीवर्ड क्या करेगा, इस करेंट क्लास के टू स्ट्रिंग फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा जो कि स्टूडेंट का नाम और एड्रेस प्रिंट करेगा। ठीक है, ताकि हमें ये बात पता हो कि हम किस स्टूडेंट के ग्रेड्स को प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद आफ्टर दिस हम क्या करेंगे, हम लूप चलाएंगे फॉर लूप। हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना देंगे आई, इंटीजर ज़ीरो से स्टार्ट होगा, इट शुड बी लेस देन नंबर ऑफ कोर्सेस। ठीक है, इससे छोटा रहे, और फिर यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये इंक्रीमेंट हो जाएगा आई प्लस प्लस। और इसके अंदर आके हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे एक लाइन प्रिंट करने के बाद हम जो है ताकि थोड़ा सा स्पेस आ जाए हम प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे ताकि एक ही लाइन में प्रिंट हो। और इसमें क्या प्रिंट करेंगे, हम सबसे पहले स्पेस देंगे, हम स्पेस देने के बाद कोर्सेस जो हमारी एरे है उसके इंडेक्स आई पे जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है वो प्रिंट हो, यानी कोर्स का नाम आएगा। उसके बाद हमारे पास आएगा कॉलन, और फिर हमारे पास आएगा ग्रेड। ठीक है, ग्रेड कैसे आएगा, ग्रेड सारे में से एट इंडेक्स आई। ठीक है जनाब, तो इस तरीके से आपके पास कोर्स का नाम, ठीक है, जो करंट कोर्स, जो करंट इंडेक्स जिस पे चल रहा है जीरो पे जो मौजूद है, फिर ये वन हो जाएगा, फिर टू हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। तो इस तरीके से कोर्स और ग्रेड्स के एरे में से वन बाय वन जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग कोर्स और कॉरस्पॉन्डिंग ग्रेड्स जो हैं वो प्रिंट होते रहेंगे। अच्छा, इसके बाद जब ये लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वी गोना प्रिंट आउट अ सिंपल लाइन, ताकि हमारे पास एक लाइन जो है वो प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे हमने प्रिंट लाइन फंक्शन यूज़ कर लिया। तो ये हमारा हो गया फंक्शन प्रिंट ग्रेड्स करने के लिए। अब इसके बाद जो हमारे पास फंक्शन बनेगा वो एवरेज ग्रेड जो है वो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या लॉजिक लगाई है, डबल वैल्यू रिटर्न करेगा ये। तो हमने यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल डिफाइन किया सम इंटीजर डेटा टाइप का, इसको ज़ीरो से हमने इनिशियलाइज किया, फिर हमने फॉर लूप स्टार्ट किया, ये ज़ीरो से स्टार्ट होगा, अगेन नंबर ऑफ कोर्सेज तक चलेगा और इंक्रीमेंट होगा, फिर सम के अंदर जाके हम असाइन कर रहे हैं, क्या असाइन कर रहे हैं, टोटल ग्रेड्स। तो जितने भी एरे के अंदर ग्रेड्स हैं सारे कोर्सेज के एक स्टूडेंट के, वो सारे ऐड होते रहेंगे किसके अंदर, सम वेरिएबल के अंदर। फिर आखिर में आके हम रिटर्न कर रहे हैं सम को डिवाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ कोर्सेज से, और डबल में कास्ट कर रहे हैं। क्यों डबल में कास्ट कर रहे हैं, क्योंकि रिटर्न क्या करेगा, डबल वैल्यू रिटर्न करेगा। यू नो कि एवरेज जो है ऑब्वियसली डबल में कैलकुलेट होता है, डेसिमल में कैलकुलेट होता है, तो इस वजह से हमें इसको यहाँ पे हम कास्टिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस फंक्शन को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पब्लिक इट विल रिटर्न द डबल वैल्यू एंड इट विल बेसिकली बी कॉल्ड एज गेट एवरेज ग्रेड, गेट एवरेज ग्रेड, ओके, नॉट ग्रेड्स, ग्रेड। इसके बाद इस फंक्शन के अंदर अगेन क्या करूँगा, इंटीजर वेरिएबल डिफाइन किया सम इज इक्वल टू ज़ीरो, और इसके बाद हम यहाँ पर आके फॉर लूप चलाएंगे, इंटीजर आई ज़ीरो से स्टार्ट होगा, आई शुड बी लेस देन नंबर ऑफ कोर्सेस, एंड देन आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट होगा, और यहाँ पे आके हम इस लूप के अंदर सम में आके असाइन कर देंगे प्लस इक्वल टू, क्या चीज़ असाइन कर देंगे, ग्रेड्स एरे में से जितने भी ग्रेड्स, टोटल ग्रेड्स हैं आई। तो वन बाय वन लूप चलेगा और वन बाय वन जो है ग्रेड्स जो है वो क्या होते रहेंगे, ऐड होते रहेंगे किसके अंदर, इस वेरिएबल सम के अंदर। ठीक है, और फिर आखिर में हमारे पास टोटल सम आ जाएगा सारे ग्रेड्स का, जब ये लूप ख़त्म हो जाएगा, एग्जीक्यूशन इसकी ख़त्म हो जाएगी, जितने कोर्सेज होंगे उस तक ये एग्जीक्यूट करेगा, बिकॉज वी हैव यूज दिस नंबर ऑफ कोर्सेज ओवर हियर। फिर आखिर में आके हमें रिटर्न करना है, इसमें से क्या रिटर्न करना है, ग्रेड एवरेज। तो एवरेज कैसे निकलेगा, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोर्सेज। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि सम जो है वो हमने इंटीजर बनाया था, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, इसको हम यहाँ इसकी टाइप कास्टिंग भी कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से।
तो इस तरीके से हमारे पास ये एवरेज ग्रेड का फंक्शन जो है वो डिफाइन हमने कर दिया फॉर स्टूडेंट क्लास। ठीक है जनाब, तो अब हमारे पास नेक्स्ट है टास्क इज टू क्रिएट टीचर क्लास। ठीक है, तो अगेन हम यहाँ जाएंगे, राइट क्लिक, न्यू जावा क्लास, और इसको हम नाम देंगे टीचर। ओके, अब टीचर क्लास भी एक्सटेंड करेगी पर्सन क्लास से, तो मैं यहाँ पे आके यूज़ करूँगा एक्सटेंड पर्सन। और टीचर क्लास में हमने क्या रखनी थी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ के, टीचर कितने नंबर ऑफ कोर्सेज अगेन पढ़ा रहा है और कौन कौन से कोर्सेज पढ़ा रहा है, उसके लिए एक एरे बन जाएगी। और हमने कंडीशन रखी थी कि एक टीचर मैक्सिमम कोर्सेज 5 पढ़ा सकता है, तो उसके लिए एक कॉन्स्टेंट फील्ड बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आए हम प्राइवेट इंटीजर नंबर ऑफ कोर्सेज, इसके लिए हमने एक फील्ड डिफाइन करी, और फिर उसके बाद प्राइवेट स्ट्रिंग एरे किसके लिए बनेगी, कि कोर्सेज के लिए, और फिर एक होगी प्राइवेट स्टैटिक फाइनल कॉन्स्टेंट बनेगा, और इसकी जो डेटा टाइप होगी इंटीजर होगी, क्या होगा मैक्सिमम कोर्सेज। एक टीचर जो है मैक्सिमम कितने कोर्सेज पढ़ा सकता है, 5 मैक्सिमम कोर्सेज पढ़ा सकता है, ये कंडीशन है। फिर हम यह करेंगे कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर देंगे, जस्ट लाइक वी डिफाइन कंस्ट्रक्टर इन स्टूडेंट क्लास, वी गोना यूज द सेम पैटर्न। सो दिस विल कंटेन अ नेम फॉर अ टीचर एंड अ एड्रेस फॉर अ टीचर, एंड देन बोथ ऑफ दिस फील्ड विल बी इनिशलाइज्ड बाय कॉलिंग द सुपर फंक्शन। इन साइड द सुपर फंक्शन वी विल पास द नेम एंड एड्रेस। ऑल राइट, सो नाउ वॉट वी गोना डू इज वी गोना बेसिकली इनिशलाइज दिस फील्ड बाय 0, इट इज़ नॉट डबल ओ, इट इज़ सिंगल। ओके, सो इट इज़ नंबर ऑफ कोर्सेज। सो अब इसको इनिशलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, वी गोना यूज दिस डॉट नंबर ऑफ कोर्सेज विल बी इक्वल टू 0, ताकि जब टीचर ऑब्जेक्ट बने टीचर क्लास से, तो एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट 0 से इनिशलाइज हो, फिर हम बाद में उसमें कोर्सेज ऐड करते रहें। ठीक है, जब हम कोर्सेज ऐड करेंगे तो ये काउंटर जो है ये अपडेट होता रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम कोर्सेज की एरो को भी इनिशलाइज कर देंगे, कोर्सेज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और किससे इनिशलाइज होगा मैक्सिमम कोर्सेज जो हमारा 5 है, हमने यहाँ पर कॉन्स्टेंट डिफाइन किया, उससे इनिशलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी एरे भी इनिशलाइज हो जाएगी। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर कंप्लीट हो गया। अब कंस्ट्रक्टर के बाद हम क्या करेंगे, हम दोबारा से जो है वो ओवरराइड करेंगे फंक्शन को, टू स्ट्रिंग फंक्शन को। और मैं यहाँ जैसे हमने स्टूडेंट क्लास के अंदर फॉर्मेट रखा था, वैसे यहाँ पे भी फॉर्मेट आएगा, टीचर आएगा कॉलन, फिर उसका नाम आएगा, और उसके बाद उसका एड्रेस आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में हम इसको ओवरराइड करेंगे फंक्शन को, राइट क्लिक और जनरेट, और यहाँ पे है टू स्ट्रिंग, इसको ओवरराइड किया, और ये मैंने सिलेक्शन हटाई यहाँ से, ओके प्रेस किया, और अब यहाँ पे आ जाएगा टीचर कॉलन, और उसके बाद कॉन्कैटिनेट होगा, यहाँ पे आ जाएगा गेट नेम फॉर अ टीचर, देन वी गोना हैव द ब्रैकेट, एंड विद इन द ब्रैकेट वी गोना हैव द एड्रेस फॉर अ टीचर, एंड देन वी गोना क्लोज इट। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास इस फॉर्मेट में जो है ये फंक्शन क्या करेगा, डाटा रिटर्न करेगा फॉर अ स्पेसिफिक टीचर। ऑलराइट, सो नाउ आफ्टर दिस व्हाट वी गोना डू इज वी गोना बिल्ड अप द फंक्शन विच विल ऐड द कोर्स। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये बुलियन डाटा टाइप रिटर्न करेगा, ये कोर्स को ऐड करेगा, जो हम कोर्स इसमें ऐड करेंगे पहले ये चेक करेगा कि कोर्स कहीं पहले से मौजूद तो नहीं है लिस्ट के अंदर, एरे के अंदर। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने लूप चलाया, 0 से इनिशलाइज हुआ, नंबर ऑफ कोर्सेज तक चलेगा, 1 by 1 इंक्रीमेंट होगा, और चेक करेगा अगर कोर्सेज एरे के अंदर जिस इंडेक्स पे हम मौजूद हैं ये बराबर होता है, इक्वल होता है कोर्स के जो इसमें पास हुआ है, तो इसका मतलब ये कोर्स इस एरे में पहले से क्या है, मौजूद है। मौजूद है तो रिटर्न हो जाए फॉल्स, का मतलब है कि वो कोर्स ऐड ना करो क्योंकि वो पहले से मौजूद है। अगर ऐसा नहीं होता है, लूप सारे कोर्सेज को चेक कर लेता है और वो कोर्स नहीं मिलता इस एरे में, तो हम उस कोर्स को क्या कर देंगे, एरे के अंदर ऐड कर देंगे, और नंबर ऑफ कोर्सेज को क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे, और फिर आखिर में ट्रू रिटर्न कर देंगे कि कोर्स जो है वो ऐड हो चुका है। तो इस फंक्शन को इस तरीके से हम इंप्लीमेंट करेंगे, पब्लिक बुलियन ऐड कोर्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, कोर्स जो है वो ऐड होगा। ठीक है जनाब, तो यहाँ पे हमने पैरामीटर लिया, फिर इसके बाद हमारा जो है वो फॉर लूप चलेगा,
इंटीजर आई ज़ीरो से स्टार्ट होगा, आई शुड बी लेस देन नंबर ऑफ कोर्सेज, कितने नंबर ऑफ कोर्सेज एक टीचर पढ़ा रहा है, उन सारे नंबर ऑफ कोर्सेज पे चेक करेगा ये इफ कोर्सेज एरे के अंदर एट इंडेक्स आई अगर ये बराबर होता है, डॉट इक्वल फंक्शन मैंने यहाँ कॉल किया और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट को देखेगा, ऑब्जेक्ट क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे कोर्स, ठीक है, कोर्स को चेक करेगा, अगर ये बराबर होता है इसका मतलब है कि कोर्स पहले से मौजूद है, तो सिंपली क्या करो रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उस सूरत में हम लूप से बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद हम कोर्सेस एरे में जाकर उसके इंडेक्स जो हमारा होगा वो कौन सा होगा, हमारा इंडेक्स होगा इसका नंबर ऑफ कोर्सेस, ठीक है, उसमें जाकर हम उस कोर्स को क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे और फिर नंबर ऑफ कोर्सेस को हम प्री इंक्रीमेंट भी कर देंगे ताकि फिर नेक्स्ट इंडेक्स पे जो है वो ऐड हो नया कोर्स, और फिर आखिर में हमारे पास हो जाएगा रिटर्न ट्रू, तो कोर्स जो है वो क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर फंक्शन की लॉजिक जो है वो हमने इम्प्लीमेंट करी। दोबारा मैं बता दूं कि कोर्स तभी ऐड होगा अगर कोर्स पहले से मौजूद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने लूप चलाया है और लूप क्या देख रहा है, लूप चेक कर रहा है कि कोर्सेस एरे के अंदर जो कोर्स हम डाल रहे हैं इंक्लूड कर रहे हैं वो मौजूद है, अगर मौजूद है तो रिटर्न कर दो फॉल्स, तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं मौजूद है, लूप चल जाता है, सारे नंबर ऑफ कोर्सेज को चेक कर लेता है, तो आखिर में जाके वो कोर्स ऐड हो जाएगा एरे के अंदर और हमारा काउंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा और वैल्यू क्या रिटर्न होगी, ट्रू। तो इस तरीके से हमने इसकी लॉजिक इंप्लीमेंट करी। इसके बाद जो हम फंक्शन बनाएंगे वो होगा रिमूव कोर्स का, जो कि ऑब्वियसली कोर्स को रिमूव करेगा फॉर अ स्पेसिफिक टीचर, जो टीचर ने पढ़ा चुका है कोर्स तो उसको अब रिमूव करना है। तो इसकी जो लॉजिक है वो कैसे इम्प्लीमेंट होगी इसको देखते हैं। इसकी लॉजिक थोड़ी सी लेंदी है तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पब्लिक इस फंक्शन को मैंने बनाया, ये भी बुलियन रिटर्न करेगा डाटा, ठीक है, और इसको हम नाम देंगे रिमूव कोर्स, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नाम दिया रिमूव कोर्स, और ये भी क्या एक्सेप्ट करेगा स्ट्रिंग पैरामीटर कोर्स, ठीक है। और इस फंक्शन में जाकर सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि एक फ्लैग वेरिएबल बना देंगे बुलियन डेटा टाइप का, जिसको मैं नाम दूंगा फाउंड, कि जो कोर्स मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ वो मुझे मिला या नहीं मिला, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू रखूँगा फॉल्स, ताकि मैं इसको जब चेक करूँ और अगर मुझे मिल जाए वो कोर्स जो रिमूव करना है तो मैं उसको ट्रू कर दूँ, और अगर वो नहीं मिलता तो उस कोर्स को रिमूव करने की ज़रूरत ही नहीं, हम अब मौजूद ही नहीं है वो कोर्स, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये वेरिएबल बनाया एज अ फ्लैग वेरिएबल। फिर इसके बाद कोर्स के इंडेक्स को होल्ड करने के लिए मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा कोर्स इंडेक्स के नाम से, जिसको मैं इनिशलाइज कर दूँगा माइनस वन से, ठीक है, माइनस वन से इसलिए इनिशलाइज कर रहा हूँ क्योंकि ये इसकी जो है वो नॉर्मल इनपुट वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपको पता है कोर्स इंडेक्स माइनस वन तो नहीं हो सकता, राइट, तो इस वजह से हमने इसको माइनस वन से इनिशियलाइज किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लूप चलाएंगे और लूप के अंदर हम चेक करेंगे, जीरो से स्टार्ट होगा, नंबर ऑफ कोर्सेज तक जाएगा, जितने भी नंबर ऑफ कोर्सेज हैं हम चेक करेंगे कोर्सेज एरे के अंदर, अगर हमें वो कोर्स मिल जाता है जिसको हम रिमूव करना चाह रहे हैं तो कोर्स इंडेक्स जो है वो आई के बराबर हो जाए, यानी कोर्स इंडेक्स उस पर्टिकुलर कोर्स का इंडेक्स हम कैप्चर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसी पे हम इटरेट करवा रहे हैं। और फिर फाउंड वेरिएबल को हम ट्रू कर देंगे कि हमें वो मिल गया जो हम कोर्स ढूंढना रिमूव करना चाह रहे थे, और फिर हमारा जो लूप है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा ताकि दोबारा एग्जीक्यूशन ना हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर आके फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे, इंटीजर आई स्टार्ट होगा ज़ीरो से, आई शुड बी लेस देन नंबर ऑफ कोर्सेज, फिर आई प्लस प्लस, और फिर इस लूप के अंदर आके हम क्या करेंगे जनाब, हम जो है वो चेक करेंगे इफ कोर्सेस एट इंडेक्स आई डॉट इक्वल्स टू द कोर्स विच वी आर चेकिंग फॉर, अगर ऐसा हो जाता है तो जनाब फिर क्या हो, तो सूरत में हमारे पास दो काम होने हैं, एक तो कोर्स इंडेक्स, सबसे पहले हमें कोर्स इंडेक्स कैप्चर करना है, कोर्स इंडेक्स जो है वो आई के बराबर हो जाएगा, ठीक है, आई के बराबर हो जाएगा मतलब ये कि जो हमें कोर्स रिमूव करना है वो किस इंडेक्स पर मौजूद है, तो उसका इंडेक्स हमने कैप्चर कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम फाउंड वेरिएबल को ट्रू कर देंगे ताकि हम ये इंडिकेशन दें कि हमें
जो कोर्स रिमूव करना था वो हमें अब क्या हो चुका है, मिल चुका है, और अब हमें लूप को दोबारा चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो लूप क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो लूप बार बार क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। और अगर उसको नहीं मिलता तो इन दी एंड हमें रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए क्या लॉजिक होगी, तो उसके लिए जनाब हम यहाँ पे लॉजिक बनाएंगे कुछ इस तरीके से। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इफ़ स्टेटमेंट और फाउंड को चेक करेंगे कि अगर फाउंड हमें ट्रू मिलता है तो ट्रू अगर मिलेगा तो उसका मतलब हमें रिमूव करना है। तो सूरत में हम दोबारा फॉर लूप चलाएंगे और हम रीअरेंज करेंगे कोर्सेज की एरे को। कोर्सेज की एरे को रीअरेंज इसलिए करेंगे क्योंकि कोर्सेज में से एरे में से एक एलिमेंट रिमूव हो रहा है, राइट। तो उसकी ऑर्डरिंग, उसकी जो सॉर्टिंग है, उसकी जो अरेंजमेंट है, उसको सही करना है, दोबारा से रीअरेंज करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे, हम आई को स्टार्ट करेंगे कोर्स इंडेक्स से, जिस इंडेक्स से जो है वो हमारा कोर्स रिमूव होना है उस इंडेक्स से लूप को स्टार्ट करेंगे। और नंबर ऑफ़ कोर्सेज में से माइनस वन, एक टाइम कम चलेगा ये, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ़ कोर्सेज, जितने कोर्सेज रिमूव करने हैं उसमें से एक कोर्स एट अ टाइम रिमूव हो सकता है, तो माइनस वन, राइट। फिर उसके बाद आई प्लस प्लस होगा और फिर कोर्सेज एरे के अंदर हम क्या करेंगे, असाइन कर देंगे जो कोर्स, जितने भी कोर्सेज रिमूव हुए हैं उसे आई प्लस वन, यानी वन बाय वन हम क्या करेंगे, उसकी उसकी जो इंडेक्सिंग है उसको सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्सिंग को हम सॉर्ट कर रहे हैं, जो करंट इंडेक्स है, जो हमारा करंट इंडेक्स है आई, ठीक है, हम उसमें एक टाइम प्लस कर रहे हैं वन, आई प्लस वन, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो हमारा कोर्स रिमूव हुआ है वो ज़ीरो इंडेक्स का था, तो ज़ीरो इंडेक्स पे अब क्या चला जाएगा, कौन सा कोर्स चला जाएगा, ज़ीरो प्लस वन, यानी सेकेंड वाला कोर्स ज़ीरो इंडेक्स पे आ जाएगा। थर्ड इंडेक्स पे कौन सा आ जाएगा, फोर्थ वाला आ जाएगा। फोर्थ इंडेक्स में कौन सा आ जाएगा, फिफ्थ वाला। तो इस तरीके से पूरी अरेंजमेंट जो है वो एरे की हो जाएगी। फिर इसके बाद हम नंबर ऑफ कोर्सेज में से माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमने रिमूव कर दिया कोर्स, हमने कोर्स रिमूव कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है हमें अब उसमें से माइनस करना है, ठीक है। कोर्स रिमूव कैसे हुआ है, हमने जो इंडेक्स आई था जिसमें करंट कोर्स जो पड़ा हुआ था उसमें अब जो उसके आगे वाला कोर्स था वो हमने इंक्लूड कर दिया, आई प्लस वन वाला। फॉर एग्जांपल दोबारा इसको मैं समझा रहा हूँ कि अगर थर्ड कोर्स, थर्ड एलिमेंट रिमूव हुआ है इंडेक्स में से, तो थर्ड एलिमेंट की जगह पे कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, फोर्थ वाला आ जाएगा, ठीक है, तो फोर्थ वाला प्लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है फोर्थ वाला जो एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, राइट। तो ये हमने यहाँ पर लॉजिक इम्प्लीमेंट की है। और फिर हमारे पास अगर ऐसा नहीं होता, अगर उसको नहीं मिलता जो कोर्स रिमूव कर रहे हैं, तो एल्स में हमने क्या लिखा, रिटर्न फॉल्स के कुछ भी जो है वो रिमूव ना हो, ठीक है, जो फंक्शन है वो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है भाई। और अगर रिमूव हो जाता है तो रिटर्न कर देगा ट्रू। तो यहाँ पे आके आफ्टर दिस लूप, इस लूप के बाद हम इसको चेक करेंगे इफ़ फाउंड, अगर फाउंड होता है तो उस सूरत में हमारे पास क्या होना चाहिए, उस सूरत में फॉर लूप चलना चाहिए। फॉर लूप के अंदर इंटीजर आई विल बी स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, नो नॉट ज़ीरो, इट विल स्टार्ट फ्रॉम कोर्स इंडेक्स एंड देन इट विल मूव टिल नंबर ऑफ कोर्सेज माइनस वन। माइनस वन इसलिए क्योंकि एक कोर्स रिमूव होगा तो हमने एक टाइम कम चलना है, ठीक है। आई प्लस प्लस, उसके बाद यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, कोर्सेज एरे में, कोर्सेज एरे में जो इंडेक्स आई पे कोर्स होगा, कोर्स इंडेक्स पे, उसका आगे वाला जो कोर्स है वो हम असाइन कर देंगे आई प्लस वन, ताकि वो रिमूव हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली हम ओवरराइड कर रहे हैं जो करेंट इंडेक्स का कोर्स है जिसको हमें रिमूव करना है, उसमें हम उसके आगे वाले इंडेक्स का कोर्स इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, ठीक है जनाब। इसके बाद ये करने के बाद जो है हम नंबर ऑफ कोर्सेज को डिडक्ट कर लेंगे और डिडक्ट करने के बाद हम रिटर्न कर देंगे ट्रू कि जो कोर्स हमें रिमूव करना था वो रिमूव हो गया। और अगर ऐसा नहीं होता तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। या फिर आप ये भी कर सकते हो, आप यहाँ पे एक मैसेज दे दो कि कोर्स इज नॉट फाउंड, ठीक है, कोर्स इज नॉट फाउंड, कि जो आप कोर्स रिमूव करना चाह रहे हो वो हमें नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इस तरीके से एक मैसेज भी आ जाएगा। Alright, so now this function is completed, ठीक है। ये function भी हमने बना लिया remove course का।
अब हमारे पास जो है वो सिर्फ एक फंक्शन रह गया है जो कि बेसिकली क्या करेगा, सारे कोर्सेज को प्रिंट करेगा। तो ये मैंने एक एडिशन फंक्शन बना लिया था इसके अंदर, तो इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। ये सिंपल सा फंक्शन है, ठीक है, पब्लिक वॉइड प्रिंट ऑल कोर्सेज, ये सारे कोर्सेज को प्रिंट करेगा जो एक टीचर पढ़ा रहा है। सिंपल सी इसकी लॉजिक है। इसमें फॉर लूप चलाएंगे और इंटीजर आई विल बी स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, आई विल बी लेस देन नंबर ऑफ कोर्सेज आई प्लस प्लस, और जो इंफॉर्मेशन है वो प्रिंट हो जाएगी कोर्सेज एरे में से, ठीक है, कोर्सेज एरे में से एट इंडेक्स आई। ठीक है जनाब, तो इस तरीके से हमारे पास ये फंक्शन जो है वो क्या करेगा, कोर्सेज एरे में से वन बाय वन जाकर जितने भी नंबर ऑफ कोर्सेज टीचर पढ़ा रहा है वो कोर्सेज की इंफॉर्मेशन को प्रिंट कर देगा। व्हेन वी कॉल दिस फंक्शन, सो दिस इज फॉर दिस, आई थिंक दिस इज कम्प्लीट नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास टीचर। ठीक है, यहाँ तक इसकी हमारी इम्प्लीमेंटेशन थी। अब हम मेन क्लास में जाके कुछ ऑब्जेक्ट्स बना के इसको टेस्ट करेंगे इस एप्लीकेशन को। ठीक है, तो मेन क्लास में आ गया मैं। मेन क्लास में आने के बाद सबसे पहले मैं स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट, और मैं इसको नाम देता हूँ एफ वन, स्टूडेंट वन इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। सबसे पहले स्टूडेंट का नाम पास करता हूँ मोहम्मद बिलाल, लेट सपोज, एंड स्टूडेंट एड्रेस ले लेते हैं ए बी सी स्ट्रीट कराची। ओके, दैट्स अबाउट इट, अ डमी एड्रेस। ओके, सो नाउ वी हैव द नेम फॉर अ स्टूडेंट, वी हैव द एड्रेस फॉर अ स्टूडेंट। अब इसके बाद अगर मुझे इसकी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है कोर्स की, तो मैं कैसे ऐड करूँगा। मैंने स्टूडेंट क्लास के अंदर फंक्शन बनाया था, इफ़ यू रिमेंबर, ऐड कोर्स ग्रेड, तो इसको मैं कॉल करूँगा। इसमें कोर्स और ग्रेड जो है वो मैं क्या कर दूँगा, असाइन कर दूँगा, एस वन डॉट ऐड कोर्स ग्रेड। तो सबसे पहले कोर्स का नाम कोड ले लेते हैं सी एस, लेट सपोज 101, और उसका ग्रेड असाइन कर देते हैं आउट ऑफ 175। ठीक है, फिर इसके बाद एस वन डॉट ऐड कोर्स ग्रेड, और यहाँ पे जाके हम सी एस 102 सेकेंड कोर्स, और इसमें ग्रेड इसका बना है 50। इसी तरीके से सेम ऑब्जेक्ट है ऐड कोर्स ग्रेड, यहाँ पे आके सी एस 103, और यहाँ पे हम इसमें ग्रेड असाइन कर देते हैं 60। ठीक है, एस वन डॉट ऐड कोर्स ग्रेड और सी एस 104, और यहाँ ग्रेड असाइन कर देते हैं 70। एस वन डॉट ऐड कोर्स ग्रेड सी एस 105, एंड दिस विल बी लेट सपोज 80। ऑलराइट, सो नाउ अभी फ़िलहाल मैंने 5 कोर्स के इसके ग्रेड्स जो हैं वो ऐड किए हैं। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी अगर इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम प्रिंट ग्रेड्स का फंक्शन कॉल कर सकते हैं जो कि हमने बनाया था स्टूडेंट क्लास के अंदर। इफ़ यू रिमेंबर दिस फंक्शन, ये फंक्शन क्या करेगा, स्टूडेंट के कोर्सेज और उसके रेलिवेंट ग्रेड जो हैं प्रिंट कर देगा, और स्टूडेंट के नाम को भी प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ पर हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट विच इज़ दिस, इट मीन्स दैट कॉल दिस फंक्शन, राइट। सो अब मेन में जाके मैं क्या करूँगा, simply I will use f1 dot print grades, but before that I'm gonna make a line break, okay, backslash n। तो अब अगर मैं इसको सेव करूँ और एग्जीक्यूट करूँ तो आप जो है वो देखेंगे कि now it will basically show us the grades for this particular student which is Mohammed Bilal and the address। ठीक है, उसी फॉर्मेट पे आ रहा है जिस फॉर्मेट पे हमने यहाँ पे इसको डिफाइन किया था। ठीक है, इधर हमने डिफाइन किया था ना कि स्टूडेंट कॉलन सबसे पहले वो आ गया, फिर उसके बाद स्टूडेंट का नाम आ रहा है। ठीक है, और नाम के बाद क्या आ रहा है, उसका एड्रेस आ रहा है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, उसी फॉर्मेट पर इंफॉर्मेशन आ रही है, और फिर हमारे पास वन बाय वन यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन आ रही है कहाँ से, प्रिंट ग्रेड्स फंक्शन से। ठीक है, कितने मैंने टोटल कोर्सेज ऐड किए हैं 5, और उसके टोटल जो ग्रेड्स आ रहे हैं तो वो हमने यहाँ पे प्रिंट करे थे, इफ़ यू रिमेंबर, राइट। लूप के ज़रिए ये एग्जीक्यूट हो रहा है, और वन बाय वन वी हैव दिस स्टूडेंट कोर्स एंड स्टूडेंट ग्रेड। ठीक है, तो एक स्टूडेंट जो है वो टोटल एट अ टाइम 10 कोर्सेज में मैक्सिमम इनरोल हो सकता है, 10 से ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास
इसमें फंक्शन था गेट एवरेज ग्रेड, ठीक है। अब अगर मुझे स्टूडेंट का एवरेज ग्रेड जो है वो लेना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं मेन फंक्शन पे आकर यहाँ पे लिखूँगा SOUT और यहाँ मैं पास करूँगा एवरेज ग्रेड, एवरेज ग्रेड इज इक्वल टू, और यहाँ पर कॉन्केटनेट कर दूँगा F1 डॉट गेट एवरेज ग्रेड, ये फंक्शन यूज़ करूँगा, ठीक है। तो अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का विच इज़ F1, स्टूडेंट वन, इसका मुझे एवरेज ग्रेड प्रिंट करेगा। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि नाउ वी हैव दिस एवरेज ग्रेड विच इज 67.0, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास स्टूडेंट का जो है वो रिकॉर्ड, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो आपके पास आ गया है, ठीक है। क्योंकि अभी आपने सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनाया है, अगर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाओगे और मल्टीपल टाइम आप कोर्सेज के उसके इन्फॉर्मेशन ऐड करोगे तो मल्टीपल स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड इसमें आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इसी तरीके से हम टीचर की इन्फॉर्मेशन को ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, टीचर T1 इज इक्वल टू न्यू टीचर, और टीचर का नाम हमने लिख दिया, ओके। एंड देन वी हैव द टीचर एड्रेस, जस्ट द डमी एड्रेस, ओके ओके। सो नाउ वी हैव दिस इंफॉर्मेशन फॉर अ टीचर। अब इस टीचर के ऑब्जेक्ट से हम क्या करेंगे, अगेन हम हमें जो है बेसिकली करना है क्या, हमें पहले तो टीचर के जो कोर्सेज टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कोर्स ऐड करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा काम मैं ये करूँगा कि मैं यहाँ पे आके T1.addCourse, तो कोर्स का नाम मैं लिख दूंगा कि ये पढ़ा रहा है CS101, ये टीचर पढ़ा रहा है CS101, CS102 और CS103, ठीक है। ये बस तीन कोर्सेज पढ़ा रहे हैं। अब अगर हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखनी है इस पर्टिकुलर टीचर की, ठीक है, कि कितने ये जो है वो कोर्सेज को क्या कहते हैं पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो टीचर की इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे T1 SOUT और प्रिंट लाइन फंक्शन कॉल किया और T1 ऑब्जेक्ट, तो ये T1 ऑब्जेक्ट टीचर क्लास के अंदर जो हमने ओवरराइड किया था फंक्शन उसको कॉल करेगा, कौन सा, टू स्ट्रिंग ये, और ये टीचर का नाम और उसका एड्रेस प्रिंट करेगा, ठीक है, यहाँ पर, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम T1.printAllCourses, जो टीचर जितने भी कोर्सेज पढ़ा रहा है, कौन सा टीचर, T1, ठीक है, उसके सारे कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन प्रिंट कर दो। तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, ठीक है, तो ये कंपाइल होगा, नाउ वी हैव दिस इन्फॉर्मेशन, आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास आ रही है टीचर की इन्फॉर्मेशन, टीचर कॉलन, टीचर का नाम और टीचर का एड्रेस, उसी फॉर्मेट पे आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, इस स्टेटमेंट से जो हमने यहाँ पे प्रिंट करी है। जब भी हम प्रिंट एलन फंक्शन कॉल करते हैं तो बेसिकली जो जावा के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शन है टू स्ट्रिंग, वो कॉल होता है, लेकिन यहाँ पे हमने उसको ओवरराइड कर दिया, तो जो भी हमने ओवरराइड किया क्लास के अंदर उसी की वो फंक्शनैलिटी को इस्तेमाल कर रहा है, जो कि मैंने आपको पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर बताया था कि हम फंक्शन को जो है वो क्या कर सकते हैं, रीडिफाइन कर सकते हैं, ये वही काम कर रहे हैं। बस यहाँ फ़र्क ये है कि ये फंक्शन पहले से बना हुआ है, तो जितनी भी क्लासेस हैं उसमें जाके हमने इसको ओवरराइड कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास ये आ गया, फिर इसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास, हमारे पास ये हमने प्रिंट ऑल कोर्सेज किए थे, तो हमने जितने भी कोर्सेज ऐड किए थे आप देख सकते हो उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है कि करेंटली जो टीचर है ये तीन कोर्सेज पढ़ा रहा है। अब हमने एक जो फंक्शन बनाया था रिमूव कोर्स का, इफ़ यू रिमेम्बर, ठीक है, ये फंक्शन बनाया था, इसको अगर मैं कॉल करूँ, लेट सपोज मैंने कॉल किया T1 डॉट, इसके बाद मैं कॉल करता हूँ, ठीक है, प्रिंट करने से पहले T1.removeCourse, और मैं कोर्स रिमूव करता हूँ CS103 जो है वो अब टीचर ने पढ़ा लिया है, पहले पढ़ा रहा था लेकिन अब नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, बल्कि इसको मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिफाई हो। अच्छा, अब ये रिमूव हो चुका है, ठीक है, अब इसको दोबारा प्रिंट करेंगे हम इसके बाद, ठीक है, और यहाँ पे हम एक लाइन दे देंगे गैप, और मैं यहाँ पे लिख दूँगा \n, ठीक है, ताकि न्यू लाइन रहे। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, ठीक है, तो आप देखोगे कि अब
टीचर पहले इतने कोर्सेज पढ़ा रहा था, ठीक है, पहले 3 कोर्सेज पढ़ा रहा था, यहाँ तक आ गया रिकॉर्ड, और अब जब हमने रिमूव किया, जब हमने रिमूव किया एक कोर्स, तो वो कोर्स क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है, ठीक है। दोबारा जब प्रिंट किया तो वी हैव जस्ट 2 कोर्सेज। लेकिन अगर मैं एक ऐसा कोर्स रिमूव करता हूँ जो टीचर पढ़ा ही नहीं रहा, 104, ठीक है, 104 मैंने ऐड ही नहीं किया है, तो इसका मतलब है कि वो नहीं पढ़ा रहा। तो मैंने यहाँ क्या लॉजिक लगाई थी रिमूव कोर्स के अंदर, कि अगर नहीं मिलेगा तो ये स्टेटमेंट आएगी हमारे पास, कोर्स इज़ नॉट फाउंड। तो लेट्स सी कि ये काम कर रहा है या नहीं। इसको दोबारा मैंने चलाया और हमारे पास क्या आया, कोर्स इज़ नॉट फाउंड, जो आप रिमूव करना चाह रहे हो वो कोर्स नहीं मिला, ठीक है। कौन सा कोर्स नहीं मिला उसको, CS 104, क्योंकि उसको मैंने ऐड नहीं करवाया था, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा कि वी हैव क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन बाय द हेल्प ऑफ अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के ज़रिए हमने जो है प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट किया बाय द हेल्प ऑफ दिस बेस क्लास पर्सन, ठीक है। इस बेस क्लास पर्सन के ज़रिए हमने दोनों क्लासेस के अंदर जाकर इस क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज़ को इसकी इनहेरिट किया। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेसन। आई होप यू नाउ अंडरस्टैंड मच बेटर कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस बाय द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज नंबर 4। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।